सो हाय टूबीज, दिस इज कर्श एंड फाइनली OnePlus नॉर्ड हो चुका है इंडिया में लॉन्च विद ऑसम सॉर्ट ऑफ स्पेसिफिकेशंस एंड प्राइस पॉइंट। सो कई सारे रिव्यूअर्स और इन्फ्लुएंसर्स ने हमें सेंड किए इसके कुछ कैमरा सैंपल्स, जिन्हें आज हम देखेंगे और पता लगाएंगे क्या आपको इस डिवाइस को परचेस करना चाहिए एज अ कैमरा सेंट्रिक फ़ोन, ये आपके लिए सही रहेगा या फिर नहीं। सो ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं, एंड तक बने रहिएगा फॉर कम्प्लीट इन्फॉर्मेशन। हमारा जो फर्स्ट शॉट है वो है एक डे लाइट शॉट, जिसे आउटडोर पे शूट किया गया है सनलाइट के टाइम पर। सो जो कलर्स हैं उनकी बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा मेंटेन्ड है, कहीं पर भी कलर्स और सैचुरेशन ओवर हाइप नहीं है। हाँ, थोड़ा सा ग्रीन कलर मुझे लगा थोड़ा बूस्ट है, बट आफ्टरऑल जो फोटोग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल कर आती है। राइट साइड में आप देख सकते हो जूम कट, जिसमें डिटेल्स की बात करूँ तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया से डिटेल्स भी कैप्चर हो रखी हैं इसी डिवाइस से। अब नेक्स्ट इज़ अ सेल्फी शॉट, जिसमें जो स्किन टोन्स और जो वाइट बैलेंस है वो पूरी तरह से मेंटेन्ड है, और कहीं पर भी मुझे ऐसा नहीं लग रहा है कि कोई भी कलर ओवर बूस्ट है। साथ ही साथ में आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में इतना प्यारा सेल्फी शॉट लेना काफ़ी ज़्यादा बढ़िया बात हो जाती है किसी भी मिड रेंज या फ्लैगशिप किलर डिवाइस के लिए। अब आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में इस पोर्ट्रेट शॉट को देखें तो इससे मुझे एक ही चीज़ समझ आ रही है कि जो स्किन टोन्स है वो थोड़ा सा बूस्ट हो सकती थी और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया फ़ोटो निकल कर आ सकती थी। बट एट द नेचुरलिज्म मैं कहूँगा इसका जो जूम कट है उसमें मुझे क्लैरिटी और डिटेल्स दिख रही हैं, यानी कि एक काफ़ी ज़्यादा बढ़िया पोर्ट्रेट शॉट निकल कर आता है किसी भी 25K रुपीज़ वाले डिवाइस के लिए। अब आर्टिफिशियल लाइटिंग कंडीशन में लिए गए इस फोटोग्राफ को देखें तो एक ही चीज़ निकल कर सामने आती है, वो है कलर्स। जो कलर्स है वो थोड़ा सा पंची हैं, बट आफ्टर ऑल जो फोटोग्राफ है वो काफ़ी ज़्यादा बूस्ट निकल कर आ रही है, और कहीं से भी ऐसा नहीं लग रहा है इस फोटोग्राफ को एडिट करने की ज़रूरत पड़ेगी। तो ये चीज़ें काफ़ी बढ़िया चीज़ हो जाती है किसी भी स्मार्टफोन कैमरा के लिए कि भाई जो फ़ोटो है वो अनएडिटेड में ही इतनी ज़्यादा खूबसूरत और इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल निकल कर सामने आ जाए। अब नाइट स्केप फोटोग्राफी के मामले में OnePlus के कैमरास हमेशा से ही काफ़ी अच्छा परफॉर्म करते हैं, और बात करें इस फोटोग्राफ की तो इसमें आपको जो डिटेल्स और जो शार्पनिंग है वो राइट साइड में जूम कट में दिखी गई होगी, जिसमें कि हम देख सकते हैं बहुत ही ज़्यादा अच्छे से एजिंग को मेंटेन किया है फोटोग्राफ में। हाँ, थोड़े कलर्स पंची है, बट ओवरऑल फोटोग्राफ की क्वालिटी बहुत ज़्यादा प्रीमियम निकल कर सामने आ जाती है, और रात के टाइम पर इतनी अच्छी डिटेल्स इज़ अ बेस्ट पार्ट। अब आउटडोर लाइटिंग कंडीशन में लिए गए इस डे लाइट शॉट को देखें तो जो शार्पनेस एंड जो एजिंग है वो तो एक साइड है, बट जो मेन कलर्स क्वालिटी है वो मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आई, और किसी भी नेचुरल शॉट के लिए अगर नेचुरल कलर्स भी मिल जाए तो वो काफ़ी अच्छा शॉट बन जाता है, एंड दैट इज़ द क्वालिटी ऑफ दिस शॉट एंड OnePlus नॉट कैमरा सेंसर। अब ओवरऑल कंक्लूजन की बात की जाए तो यार काफ़ी बेटर कैमरा क्वालिटी है 586 सेंसर की, और मैं कहूँगा कि काफ़ी बढ़िया फोटोग्राफ्स को क्लिक करता है। आपकी राय क्या है मुझे बताना ज़रूर नीचे कमेंट बॉक्स में। साथ ही साथ अगर ये वीडियो पसंद आया हो कहीं से भी तो एक लाइक करने के साथ साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लो आगे भी इसी तरह के वीडियोज़ इन्जॉय करने के लिए। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।